Today we will start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum class 3, hope so you all are fine. So it's our maths time. Open your book page number 177, and today we have the word problem of exercise 6b, and word problem we have question number 3, 4 and 5 to solve today. So we start our first word problem. Question number 3, a journey starts at 4:50 and ends at 9:20. यानी जो सफ़र है वो शुरू कब हुआ था 4:50 पर, एंड जो जब वो कुछ टाइम के बाद जब वो सफ़र ख़त्म हुआ तो टाइम क्या था 9:20. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, यानी कितना टाइम लग गया उस सफ़र में. यानी अगर आप किसी जगह से निकले हो तो आपको 4:50 पे आपने स्टार्ट किया अपना जर्नी और 9:20 पे आपका जर्नी ख़त्म हो गया, ठीक है. तो आपको कितना टाइम लग गया उस जगह तक पहुंचने के लिए, हमने ये फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे स्केच प्रिपेयर करना है. डे एक्सरसाइज 6B पेज नंबर 177 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 आपने उसकी स्टेटमेंट राइट करनी है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है कि हमारा जो जर्नी था वो स्टार्ट कब हुआ था 9:20 से ख़त्म हुआ था और 4:50 पे हमारा स्टार्ट हुआ था. तो आपने जो सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है. जब भी माइनस हम करते हैं हम छोटी वैल्यू ऊपर राइट नहीं कर सकते, हमेशा हमने कौन सी वैल्यू राइट करनी होती है, बड़ी वैल्यू राइट करनी होती है. हमने बड़ी वैल्यू को ऊपर राइट करना है, 9:20 को हमने ऊपर राइट कर दिया, और जब हमारा जो सफ़र था स्टार्ट हुआ था हमने उसको नीचे राइट कर दिया, ठीक है, 4:50. अब आपने इसको करना है सब्ट्रैक्ट. अब आप देखो मिनट्स में आपके पास है 20 और 50. आप 20 मिनट्स में से 50 मिनट्स माइनस नहीं कर सकते, ठीक है. 20 छोटा और 50 बड़ा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 9 को कट करोगे, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 8, और यहाँ आपने कितने कैरी देने हैं, आपके पास 1 और जो है वो कैरी जा रहा है, तो 1 और मिनट्स में जाके कितने बन जाएंगे. जब एक घंटा कैरी जाएगा मिनट्स में तो वो एक घंटा मिनट में चेंज होकर बन जाएगा 60 मिनट, ठीक है. 60 और 20 आपके पास कितने हो जाएंगे, आपने यहाँ ऑफ साइड पे 60 को 20 में ऐड करना है तो आपके पास होगा 80, ठीक है. अब 80 में से आपने क्या माइनस करना है 50, तो आप रफ साइड पे क्या राइट करोगे 80, और नीचे आपने राइट कर देना है 50, ठीक है. आपने माइनस कर देने इससे, जीरो में से जीरो माइनस के हमारे पास आएगा जीरो, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ आ गया 30, तो मिनट्स हमारे पास आ रहे हैं 30 मिनट, हमने यहाँ पर राइट कर दिया 30. अब 8 हमारे पास हमने यहाँ से कट करके और में से कैरी दिया था, 8 और रह गए थे, 8 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आएगा 4. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 और कितने मिनट्स लगे हैं हमें 30 मिनट, ठीक है. तो ये हमारा आंसर है कि हमें उस सफ़र को जारी रखते हुए हमें कितने टाइम हुआ है, 4 और 30 मिनट्स. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिल वॉच शो द टाइम 7:45, वलसारा वॉच द शो टाइम 7:49, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम. अब आदिल ने जब शो देखना स्टार्ट किया था तो 7:45 थे, और जब सारा ने स्टार्ट किया तो 7:49 था. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम्स, इन दोनों टाइम में आपने डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस का हमेशा मतलब होता है माइनस, यानी आपने जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रख के नहीं छोटी वैल्यू को नीचे रख के आपने क्या करना है, माइनस करना है. तो बड़ी वैल्यू क्या है, जो टाइम ज़्यादा होगा वो हमारा बड़ी वैल्यू है, और जो टाइम कम होगा वो हमारी छोटी वैल्यू होगी. 7:49 जो है हम उसको ऊपर रखें, 7:49 को नीचे रखें, हम इसको सिंपल माइनस करेंगे. आपने क्वेश्चन नंबर 4 राइट करना है, जितनी स्टेटमेंट मैंने राइट की इतनी स्टेटमेंट आपने राइट करनी है. उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, और मिनट और में हमने 7 और है और 49 मिनट है, फिर 7 और 45 मिनट्स है. तो जस्ट आपने इन्हें क्या करना है, माइनस करना है. हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 बढ़ गया, इजीली माइनस हो जाएगा. अब 49 ऊपर और 45 नीचे है तो हम इसे इजीली माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 में से 4 माइनस करें 0, और यहाँ पर भी आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 मिनट्स, ठीक है. तो यही हमारा आंसर है कि उनके शो देखने में कितना डिफरेंस है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है उन्हें शो स्टार्ट किए हुए. यानी 7:45 पे अगर आदिल ने स्टार्ट किया तो 7:49 पे सारा ने स्टार्ट किया, तो कितने मिनट्स लेट थी सारा, 4 मिनट. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अहमद स्पेंट 1:20 मिनट ऑन एक्सरसाइज ऑन मंडे. अहमद ने एक्सरसाइज जो है मंडे वाले दिन कितने मिनट की, 1:20 मिनट, ठीक है. ही स्पेंट 1:50 मिनट ऑन ट्यूजडे, और उसने 1 घंटा और 50 मिनट जो है वो कितने ट्यूजडे को अपनी एक्सरसाइज पे टाइम लगाया. व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंट ऑन एक्सरसाइज, और उसने टोटल टाइम यानी एक्सरसाइज को कितना टाइम दिया उसने 2 दिन में. एक दिन में उसने इतना दिया है और एक दिन में उसने इतना दिया, यानी मंडे वाले दिन उसने 1:20 मिनट और ट्यूजडे वाले दिन 1:50 मिनट. तो आपने टोटल बताना है कि उसने कितना टाइम दिया है अपनी एक्सरसाइज को. तो टोटल जब भी कहा जाएगा तो आपने इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है. तो हम इसको अपनी नोटबुक पर कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, डे इस पेज पे राइट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 5 की जितनी स्टेटमेंट मैंने राइट की उतनी ही आपने राइट करनी है, ठीक है. उसके बाद आपने और
मिनट। अब आप प्लस में क्या होता है, आपकी मर्जी होती है आप बड़ी वैल्यू पर रख लो या छोटी, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी माइनस करते हैं हमेशा आपने याद रखना है कि आपने ऊपर जो है वो बड़ी वैल्यू को रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास है 1 और 20 मिनट और 1 और 50 मिनट। अब 1 और 20 मिनट थे मंडे वाले दिन और 1 और 50 मिनट से उसके ट्यूजडे वाले दिन। आपने टोटल टाइम बताना है कि उसको कितना लगा एक्सरसाइज पर, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। जीरो में अगर हम जीरो ऐड करें तो हमारे पास आएगा जीरो, ठीक है। 5 और 2 जो होता है वो मिलके 7 बन जाएगा। अगर हम यहाँ 7 राइट करते तो ये बन जाएगा 70। और मैंने आपको बताया कि कभी भी आपने 60 या 60 से बड़ा नंबर यहाँ मिनट में राइट नहीं करना। तो जितना हमारा ऐड करके आ रहा था उसमें से हमने जो हम नहीं राइट करना वो नीचे लिख लेंगे 60। हमने जो हमारा ऐड करके 60 से बड़ा आ रहा था हमने उसी में से 60 को माइनस कर देना। तो 7 में 7 यहाँ बचेगा हमारे पास 10। हमने यहाँ पर राइट कर दिया 10। अब जो 60 हमने माइनस किया है उसको हमने आगे 1 और में कैरी दे देना है प्लस 1। तो 1, 1, 2 और 1, 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 10 मिनट्स। तो उसने 2 दिन में कितना टाइम दिया एक्सरसाइज को, तकरीबन 3 और 10 मिनट्स। तो ये हमारा इसी क्वेश्चन का आंसर है। आज का काम हमारा यहीं तक था। अब आप लोगों ने इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।